असलामुअलैकुम। तो हाय गाइस, कैसे आप लोग? मैं कॉबरा न्यू वीडियो के साथ, मेरी ही एनोनिमस की पब्लिक। सबसे पहले हम आपको सस्ती शायरी सुनाएंगे और बहुत ज़्यादा बातें करनी है। और फाइनली फाइनली आज हमारा रैंक पुश ख़त्म हो जाएगा। भाई मैं भी तंग आ गया हाइपिंग में, खेल खेल के, होल्ड करके खेल खेल के भाई। तो आज हम ना बस ये किस्सा ख़त्म कर देंगे। हम अपना जो मिशन था टॉप 100 में आने का, वो फिनिश करके, मतलब वो मिशन अपना पूरा करके हम जान छुड़ाएंगे भाई रैंक पुश से। बहुत ज़्यादा रैंक पुश कर लिया मेरी एनोनिमस की पब्लिक, और सिर्फ मेरा कॉन्करर हो पाया, मेरी टीममेट का नहीं हो पाया ड्यू टू टाइम इशू। तो टाइम इशू की वजह से हम एक ही अकाउंट में कॉन्करर कर पाए हैं, वो भी टॉप 100 तक, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन चलें पब्लिक, बातें चलती रहेंगी। सबसे पहले हम आपको सुनाएंगे सस्ती शायरी और आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लाने की कोशिश करेंगे। तो भाई ये सिर्फ मैंने शायरी बनाई है, इसमें कोई भी बात आपको अगर बुरी लगे तो माजरत, मैं सिर्फ आपको हंसाने के लिए ऐसी बातें करता हूँ। पहली लाइन थोड़ी सीरियस है, उसके बाद वाली लाइन फ़नी होने वाली है हमेशा की तरह। कि जिंदा लोगों की होती है बर्थडे, और जो दुनिया में नहीं है उनकी होती है बरसी। वाह 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 वाह। अब ये मतलब नॉर्मल सी बात है, और मतलब बहुत से लोग, अब इसके डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मैंने नॉर्मल सी ऐसी लाइन शायरी बनाने के लिए बस चूज़ कर ली है। अगर आपको भाई कोई भी मेरी बात बुरी लगे तो मैं फिर से माजरा चाहता हूँ। कि जिंदा लोगों की होती है बर्थडे, और जो दुनिया में नहीं है उनकी होती है बरसी। वाह 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 वाह। रैंक पुश कर करके चली जाती हैं आंखें अंदर, ऐसे लगते हैं कि हमें पोटरी और चर्सी। सस्ती शायरी विद अनोनिमस बाबा जी, ठोको लाइक बटन मेरी अनोनिमस की पब्लिक। हम फिर से डुओ में रैंक पुश कर रहे थे, और पब्लिक लाइक ये मेरा काफ़ी पहले ही हो जाता यार। तुम फिर बोलना स्टार्ट हो गए, मैंने वीडियो स्टार्ट नहीं किया, तुम्हारी चीं 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 शुरू हो जाती है, तुम्हारी ऐसी की तैसी। भाई ये मेरे तोते हैं ना, ये बाज़ नहीं आएंगे, लेकिन चलो अब ये अच्छा तोता बाज़ कैसे आ सकता है, मतलब लॉल चील और बाज़, मतलब वो वाला बाज़ बोल रहा हूँ मैं, एलओएल लॉल। मेरी एनोनिमस की पब्लिक, अभी क्या सीन है कि आज मैं मतलब जितने मेरे पास रिकॉर्डिंग हुई थी ना, मैंने उनको पोस्ट कर दिया आप लोगों के लिए कि भाई आज फाइनल है, बस आज मैं गेम प्ले ख़त्म कर दूंगा। ये रैंक कुछ वाले जितने भी थे, हमने उनका बहुत ही इंटरेस्टिंग, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, अरे अजान की आवाज़ से मुझे मतलब वो याद आया के रोज़े आ रहे हैं, रमज़ान आ रहा है, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं ट्राई करूँगा मैं सारे रोज़े रखूँ, आप भी रोज़े रखोगे या नहीं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना मेरी नॉन पब्लिक। तो मतलब बहुत ही मज़ेदार दिन होते हैं रोज़ों के, सब लोग अजान का इंतज़ार करते हैं। पूरे साल में फर्स्ट टाइम ऐसा होता है कि सब लोग अजान का इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो मेरी नॉन पब्लिक गेम प्ले की तरफ वापस आते हैं। मेरे पास 3-4 गेम प्ले थे, मैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाए हैं, कोई भी बोरिंग नहीं होगा, और आज हमारा रैंक पुश वाला सीन ख़त्म हो जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर देना, और कमेंट में प्रेजेंट भी लिख देना मेरी नॉलेज पब्लिक। अपनी जॉर्जिया की सिटी जाने के लिए हमने गाड़ी उठाई और बूस मार के भगा के दौड़ा के नसा के चला के हम लोग फ़ौरन से पहुंच गए भाई जॉर्जिया की सिटी, जहाँ मैं मोस्टली आता हूँ और मोस्टली लूट करता हूँ पब्लिक। वहाँ पर आने के बाद हमने पेड़ भर के लूट किया, और मैंने DP और 1 AM उठा रखी थी, जो कि दोनों 7 की हम यूज़ करते हैं, और बहुत ही पावरफुल गन्स हैं आपको पता है। तो मेरी स्कॉल की हमने वापस अपनी लेवल 1 की USG उठाई, और अब जोन में जाना था। तो हम लोग जोन में जाने के लिए, सर्कल जो था मेरी अनाउंस के पब्लिक, वो थोड़ा दूर था, तकरीबन 400 मीटर आप कह सकते हो कि सर्कल था। तो लेवल 1 की USG चला के मैं फ़ौरन से आ गया था। अच्छा, जब मैं रैंक पुश करता ना, तो मैंने अपने लाइक जो होल्डिंग पॉइंट्स होते हैं वो मैंने पहले से डिसाइड किए होते हैं कि यहाँ का सर्कल हुआ तो यहाँ रुकेंगे, यहाँ का सर्कल हुआ तो यहाँ रुकेंगे। तो इस बार भी ऐसे किया हुआ था, मैं वेयर हाउस में आ गया था। मेरी नॉन पब्लिक इतनी देर में आई थी, मेहरान गड्डी और दो मम्मी हिरदे कान के नीचे लगाया, लेकिन बकरा बन नहीं बना भाई, वो बड़ा हिट था। भाग रहा है यहाँ से, दोबारा गोली मारी, दोबारा नहीं नॉक हुआ भाई पब्लिक। ये गंदी विंग में खेल खेल के ना मैं वाकई बहुत थक गया, और अब हम जो है ना वापस अपने रश गेम प्ले सोलो स्क्वाड और अपना क्लोज रेंज इंप्रूव करेंगे इंशाल्लाह। ये बंदा रुक गए थे, राइट साइड गए थे, तो मैं भी बड़ी वाली बिल्डिंग में आ जाता हूँ। इतनी देर में पब्लिक अब यहाँ पर ना बड़ा बड़ा पार्ट होने वाला है, क्योंकि दो टीम्स हो जाएंगी एट अ टाइम अलग अलग एंगल्स पे। अब इनको इन घरों में आना था, और मेरे पास थे 4 नेड जो मुझे फेंकने से इनके कच्छों में उनके कच्छों को फाड़ देना था, चीज थोड़ा उड़ा देने थे इनके कच्छों के। तो मैं इंतज़ार कर रहा था कि भाई मुझे मौका मिले, मैंने एक नेड निकाला। इतनी देर में मुझे साउंड आता है कि बंदा ऊपर वाले फ्लोर पर आ चुका है। तो हमने कहा सर जी जल्दी आइए, कान के नीचे लगाएं आपके। तो जैसे ही भाई साहब आए, मैंने एक नेड निकाला कुक करके फेंका, और कच्छे में फट गया भाई। जैसे ही बंदा नॉक हुआ पब्लिक, मैंने लेफ्ट राइट जितने मेरे नेड थे मैंने फेंक दिए, क्योंकि मैं चाहता था कि भाई ये बंदा फिनिश हो जाए, या फिर इसका जो टीममेट है वो भी इसके साथ फट जाए। नेड मैंने अलग अलग एंगल पे फेंके, और फिर अपने टीममेट को बोला कि भाई चलो भाई रश किया जाए। लेकिन पब्लिक राइट पे ना ऊपर वाली साइड पे अलग डुओ आ चुका था। अब हम रश करते तो एक रिस्क था कि वो थर्ड पार्टी करेंगे, लेकिन हमने कर दिया रश के, देखी जाएगी
जो होगा अच्छे के लिए होगा, नाटक अच्छे के लिए होगा, रिस्क नहीं लिया तो फिर क्या जिया। वाह 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 वाह, आए अभी बंदा नेड कर रहा था, इसको मैंने छोड़ा, दूर वाले को नॉक किया, मेरी टीममेट ने उसको नॉक किया और नेड पड़ा हुआ, इनको मैं बोला नेड 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 नेड, फिर भी जाके देखो भाई कितने भूखे हैं हमारे टीममेट लूट के, भाई नेड पड़ा हुआ है, चीख रहा था कि नेड है नेड है नेड है बचो, लेकिन फिर भी भाई क्रेट पे जाके लूटेंगे, लूट के भूखे लूट के भूखे लूट के भूखे भूख के लूटे लोल। अच्छा हाँ एक गेम प्ले मैंने ऐसे बोला था ना पब्लिक, क्या पैसा बोलो, लूट के भूखे भूख के लूटे लूट के भूखे भूख के लूटे एल ओ एल लॉल, क्या क्या फजूल काम करवाता रहा हूँ मैं आपसे, मुझे याद आ रहा है। तो हमने वैसे लूट वगैरह की, पब्लिक बूस्टर वगैरह उठाए, एमोसरी उठाई, और मैं क्रेट्स की लूट आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप भी देखो और आपके मुँह में पानी आया और आप बोला ना भैया अकेले अकेले लूट रहे हो, तो अच्छे से जितनी ज़्यादा लूट कर सकती करता था कर सकता था। कि फिर पब्लिक हमने वापस से अपनी जगह पर जाने के लिए ना स्मोकी, क्योंकि यहाँ पर रुकना बनता नहीं था, उसका रीज़न ये है पब्लिक जोन तो है लेकिन हमारी गाड़ी यहाँ पर नहीं है, तो हमने स्मोक्स फेंके और इसके बाद दुड़की लगा दी भाई अपने घर की तरफ, और यहाँ से हम इजीली वेयर हाउस में भी जा सकते हैं। लेकिन ऊपर वाले से फाइट लेनी पब्लिक, तो मैं नीचे वाली विंडो पे आके बैठा हूँ, यहाँ पे डीपी मैंने 6-6 लगा रखा था और बंदों को स्पॉट करने की ट्राई की, उन्होंने मेरे टीममेट को मारा, उन्होंने मेरे टीममेट को मारा, इसका बदला तो हम ज़रूर लेंगे सर जी। कान के नीचे लगाया एक को और दूसरे को भी बनाया बकरा, और ऐसे हमने मौत कुछ हुआ टक से वापस आ गए, क्या तो डीपी चलाई। और इसलिए मैं बोलता हूँ मेरे अनाउंस के पब्लिक, माशाल्लाह माशाल्लाह कि जब एनोनिमस चलाता है डीपी तो हाई होता है एनिमिस का, बोलो बोलो पब्लिक, हाई होता है एनिमिस का बीपी। वाह 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 वाह, सर्कल बन रहा था पब्लिक को, सर्कल ने फिर से हमारे साथ धोखा किया, हमारे पास से जा चुका है। अब यहाँ पे जो है ना ऐसा सर्कल था कि हमें शैक टू शैक गेम खेलनी थी, तो मैंने ऐसे ही किया, मैंने स्टार्ट कर दिया शैक टू शैक गेम खेलना, पहले एक शैक रुके और फिर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, और फिर हम दूसरे शैक पर रुके पब्लिक, पहले उस शैक पर रुका था, वहाँ पर मैंने फाइट नहीं ली, सर्कल गया, फिर मैं आ गया इस वाले शैक पर, एकदम मिड में आने वाले हम पब्लिक, क्योंकि ये सर्कल जो है ना इस पर हम एच पे थे, लेकिन फ़ौरन से सर्कल के बाद हम लोग तकरीबन सर्कल के मिड में आ जाते हैं। और अभी 4 किल अल्हम्दुलिल्लाह हो चुके थे, 17 अलाइव थे, बहुत ज़्यादा इंटेंस सीन होने वाला था यहाँ पे, हम बार बार नॉक होंगे, बार बार नॉक करेंगे, ऊपर बंदा था, देखो मैंने इसको मारना शुरू किया और ये देखो मेरी टीममेट काम हेलमेट आगे ले और ख़ुद उस बंदे को नॉक दे दिया जिसको मैं मारा था, नहीं मतलब क्या, नहीं मतलब क्या, खबीब नाम था, नाम मुझे बड़ा पसंद आया इस बंदे का। नेक्स्ट वाली दूसरी बार ऊपर अब रश होता है और मैंने इनको मारने की कोशिश की, लेकिन एक बंदा नॉक होता है, इसका टीममेट जो दूसरा होता है उसको पीछे से दूसरा कोई एनिमी मार देती है, तो ऐसे एक किल हमें मिलता है और एक किल जो हमें नहीं मिलता। अब दूर से पड़ता है नॉक मेरे टीममेट को कार 98 का, और अब जो है ना उन्होंने करना था रश क्योंकि वो लोग सर्कल में नहीं थे, तो मैंने भाई रिवाइव देने का फैसला किया और पब्लिक, लेकिन एक सीन होता है छोटे सर्कल में जब आप गाड़ी से पुश करते हो ना तो आपको और जगह से भी पड़ती है, इनके साथ भी ऐसे सीन हुआ, मैंने मारा लेकिन उसका टीममेट पीछे से कवर देता है और मैं नॉक हो जाता हूँ यहाँ पे, हालांकि मैं कवर में आ रहा था और मैं दूर वाले बंदा मुझे नॉक करता है, अब इनको भी दूर से पड़ जाती है, तो मतलब ये हमें मारने के लिए आ रहे थे और दूसरी एनिमीज ने हमें भाई कवर दिया और इनको मार दिया, तो ऐसे एक अच्छा सीन हो जाता है हमारे लिए, एक अच्छा फ़ायदेमंद सीन हो जाता है। अदरवाइज वो खड़ा हुआ उसको भी दूर से पड़ जाएगी, लो भाई कान के नीचे लगाया दूर वाले ने बकरा बनाया, और ऐसे हमें बिना किल किए भाई हम सर्वाइव कर जाते हैं, दूर दूर वाले बंदे हमें कवर दे देते हैं। पब्लिक अभी भी मुझे लग रहा था वो बंदे जोन में हैं, लेकिन जो पीछे स्मोक कर रहे थे, अब मतलब 3 टीम्स थी, हम एक स्मोक वाली टीम और एक पीछे घरों वाली टीम, ऐसे 3 टीम्स बची हुई थी पब्लिक, तो शैक के अंदर रुकना मुझे ठीक नहीं लगा, तो मैं आगे आया पीछे वाले बंदों के लिए कवर बनाने के लिए, मैंने वहाँ पर स्मोक किया और एक साइड पर स्मोक किया ताकि मुझे पीछे वाली साइड से ना पड़े और मैं इनको मार सकूँ। इन दिन भाई साहब भाग रहे थे, सर जी हमने तो आपको देखा ही नहीं, कान के नीचे लगाया बकरा बनाया, और दूसरे भैया जो थे वो यहीं पे स्मोक में कहीं पे लेट के गुस्सा निकाल रहे थे, मेरा किल चोरी होना था, लेकिन ऐसे कैसे बाबा जी नॉक हमने किया किल आप चुराओगे, ऐसे थोड़ी होता है। तो अब जो राइट वाला स्मोक था उसके अंदर से कोई स्प्रे दे रहा था, अभी मैंने रैंडम स्प्रे मारा, मेरी बुलेट टैग होती है लेकिन मैंने फिर से गन रिलोड पे लगा दी क्योंकि सिर्फ 5 एमएम थे, वो बंदा जोन में भाग रहा है, मैंने स्पॉट किया, और जब एनोनिमस चलाता है डीपी तो हाई होता है एनिमीज का बीपी, कान के नीचे लगाया बकरा बनाया, और फिर हम दूसरे बंदों पे फोकस करते हैं अपने जो कि घर वाले होते हैं, उनको भी जोन में आना था, ये भाई साहब नज़र आते हैं नेड कर रहे थे, इनको भी हमने केंडा को टेढ़ा कर दिया, केंडा को टेढ़ा कर दिया एल ओ एल लॉल। अब पब्लिक ऊपर वाले फ्लोर पर मुझे बंदा नज़र आएगा, वो देखो वो रहा, तो वो मार रहा था, तो हम दोनों टीममेट्स ने एक साथ उसको मारा और उसके कान के नीचे लगाया उसको बकरा बनाया, उसने मेरे टीममेट को नॉक किया था लेकिन उल्टा हमने फ़ौरन से कवर फायर दे के उसको बकरा बना के उसको लॉबी भगा रहा, ऐसे में एक और विनर विनर चिकन डिनर मिल गया मेरे नॉन इसके पब्लिक। ये वाला गेम मैं सोलो खेलता हूँ और काफ़ी मुश्किल काफ़ी इंटेंस गेम हो जाता है मेरी एनोनिमस के पब्लिक ये वाला। अच्छा आपको एक और बात बताऊँ कि यकीन करें मैं थक गया था खेल खेल के, अभी रात के तकरीबन सॉरी बल्कि सुबह के 5:30 बज रहे हैं, ऑलमोस्ट 5:20 हो रहे हैं सुबह के, और आपको एनोनिमस अभी वॉइस ओवर कर रहा है, इससे पहले मैं ना रात तकरीबन 11, 12, 1 बजे से आई डोंट नो 1-1.5 बजे से रैंक पुश कर रहा था कि मैं टॉप 100 में आ जाऊँ बमुश्किल बहुत से मैचेस ज़ाया गए, सुबह तकरीबन 5 बजे जाके मैंने जो है अपना कॉन्करर किया
और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मेरे जितने भी टीममेट्स ने मेरा हेल्प की, स्टारडियो, स्टार साइलेंट, स्टार जायरोग, जितने भी लोगों ने भाई मेरी हेल्प की, मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सबका। और जितने भी लोगों ने भाई इस रैंक पुश में मेरा साथ दिया, मुझे देखा, लाइक किया, सब्सक्राइब किया, सपोर्ट किया रैंक पुश में, उन सब एनोनिमस की पब्लिक का मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने टीममेट्स के साथ साथ। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी जर्नी थी पब्लिक। उसके बाद क्या होता है, अब मैं थोड़ा गेम प्ले की तरफ वापस आता हूँ आप लोगों का शुक्रिया अदा करने के बाद, कि जोन था ब्रिज वाला, तो मैं एकदम बोट लेके घूम के आ गया था जोन में, क्योंकि यहाँ पे माइनस खाना किसी को भी पसंद नहीं होता, तो मैं एकदम आराम से खेला। फिर मुझे बगी मिली, फिर मैं दोबारा उस ऑपोजिट साइड से इस वाली साइड पर आया, यहाँ पर मुझे स्नैपर टावर मिल जाता है। पब्लिक 25 लाइफ थे, छोटा सर्कल था, बहुत ज़्यादा अच्छे लाइफ थे, तो गाड़ी गुजर रही होती है। अभी मैं कीड़े करना नहीं चाहता था, क्योंकि यहाँ पर मैं सोलो खेल रहा था और मैं नॉक नहीं होऊंगा, डायरेक्ट फिनिश हो जाऊंगा, ये थोड़ा सा मुझे रिस्क था। अब 16 लाइफ थे, तो आप ये मत सोचो कि मुझे खेल नहीं मिलेंगे, अच्छे खेल मिलेंगे। ये गाड़ी गई वहाँ पे, रुकी, मुझे जैसे ही गाड़ी स्पॉट हुई, अब इसको गोलियां पड़ने लग जाती हैं जैसे ही रुकता है, तो मैंने इसको गाड़ी के नीचे से देखा, सर जी हमने तो आपको देखा ही नहीं, टैप टैप करके इस बंदे को भी डाउन किया पब्लिक, और ऐसे हमें इसका किल मिल जाता है। इसको दूर से ही पड़ रही थी बेचारे को, और हमने फ़ायदा उठाया, इसको डाउन किया पब्लिक। अब ज़्यादा देर हमें मज़े में यहाँ पे बैठने को मिलता नहीं है, हम एच पे आ जाते हैं, और एच पे आने के बाद हम पे हो जाता है गाड़ी का रश। जैसे मैंने देखा गाड़ी आ रही है, साउंड आया, मैंने स्प्रे दिया, लेकिन ये बच जाता है और घुमा के गाड़ी यहीं पे खड़ी कर देता है। अब पब्लिक इनको भी दूर से पड़ने लगती है, जैसे मैंने आपको बोला था छोटे सर्कल में अगर आप गाड़ी लेकर रश करोगे तो आपको ही पड़ती है। फिर मैंने फैसला किया भाई मुझे जंप करना चाहिए, जंप किया, कान के नीचे लगाया, बकरा बनाया भाई इसने मुझे, अच्छा मारा। देखा कितनी जल्दी हेल्थ जाती है पब्लिक, एकदम से भाई फुल होती है एचपी और एकदम से कम हो जाती है। एक बुरा सीन होता है जब मैं रैंक पुश करता हूँ, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि भाई मैं वापस से जो है ना अपना पाकिस्तानी सर्वर खेल के सोलो स्क्वाड खेल के हाई किल्स क्लोज रेंज गेम प्ले उसी सब को मैं वापस आ जाऊँ। बहुत कर लिया भाई रैंक पुश, ऐसे बहुत बार मर लिया मैं, बहुत बार माइनस करा लिया, तो 4 किल अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हो चुके थे मेरी अनाउंस की वाली का। पीछे से बंदों को आना था जोन में, तो मैं बैक साइड देख रहा था जो जोन के साथ वाली साइड थी, इतनी देर मुझे साउंड आता है कि एक बंदा लेफ्ट से क्लोज इन कर रहा है, तो जैसे मैं साउंड लेके देखता हूँ, ओह सर जी अब मेरे को मारने लगा, इसने मुझे स्पॉट किया, वापस से भागा ये, जैसे ये दरख्त के पीछे जाता है, जोन में नहीं था, तो मैंने एक नेट निकाला कि भाई नेट फेंकता हूँ। नेट फेंकने लगा तो पब्लिक ये जोन का डैमेज नहीं लेता, हील करता, आई गेस इसने हील किया और ये भाग के जोन में आ रहा था, तो मैंने दोबारा से इसको डाउन किया यहाँ पे, और ऐसे मुझे इसका किल मिल जाता है। मेरे 5 किल अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हो जाते हैं। अब मेरी अनोनिमस की पब्लिक मुझे सर्कल में जाना था, सर्कल ने फिर से हमारे साथ बेवफाई की, फिर से हमारे हाथ से निकल गया, ये तो अक्सर होता रहता है, इसमें कोई नई बात तो है नहीं। तो मेरी अनोनिमस की पब्लिक अब मुझे स्मोक करके ना सर्कल में जाना था। पहले मैं देख रहा था कि ये ना मैं बगी में बैठूँ, कोई पहले से रेडी बैठा हो और वो हमारे कान के नीचे लगा के हमें बकरा बनाए। यार तुम तो चुप कर जाओ, तुम्हें थोड़ी देर नज़र आता है कि मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, थोड़ी देर चुप हो गए फिर से अपनी टी शुरू कर देते हो, तुम इंसान के बच्चे नहीं बनेंगे, ये तोते के बच्चे। तो मेरी अनोनिमस की पब्लिक मैंने यहाँ पर बगी उठाई और फिर रश कर दिया सामने वाली कंपाउंड की तरफ जो कि मिड में था, और ये रश करना एक रिस्की सीन था, कहीं से भी पड़ सकती थी। 7 लाइफ थे, 5 किल मेरे अल्हम्दुलिल्लाह हो चुके थे, तो मैंने जंप किया पब्लिक। अब मैं इस साइड पे इसलिए रुका हुआ था क्योंकि वहाँ से मुझे आए थे शॉट्स, तो वो बंदा डेफिनेटली मतलब ज़रूर नेड फेंकेगा, और उसने ऐसे ही किया, नेड फेंका। अगर मैं उस साइड होता तो मुझे पता था कि नेड आएगा, मैं फट जाऊँगा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है एक अच्छे प्लेयर की निशानी होती है कि जब वो दिखेगा क्रश वो नेड वगैरह थ्रो कर देगा, तो घर भी करीब था तो नेड आना बनता था। तो मैंने इंतज़ार किया पब्लिक, उसके बाद एक और गाड़ी क्रश होता है सामने उसी बंदे पे, यहाँ मैंने फ़ायदा उठाया भाई इनकी फाइट का, मैंने स्प्रे दिया, दोनों को डैमेज मैं दे रहा था, एक ने नॉक किया तो मैंने उसी को फिनिश कर दिया। अब मैं यहाँ पे किल चलाने लगा, इतनी देर में दूर से उसको उसके टीममेट को कोई मार के जो है किल उठा लेता है पब्लिक। अब रह गई थी 3 बंदों की फाइट, 1v1v1। पहले मैं वेट करता रहा क्योंकि मुझे लग रहा था कि एक डुओ वर्सेस मी मतलब 2v1 की फाइट है, तो मैंने काफ़ी वेट किया। उतनी देर में फिर मुझे पता चलता है कि नहीं भाई ये सोलो है, क्योंकि एक बंदा मेरे करीब आता है। सर जी कान के नीचे लगाया, बकरा बनाया, लॉबी भगाया, और अब पब्लिक 1v1 की फाइट रह जाती। ये मेरा गलत स्टेप था, घर वाला मुझे मार देता तो मैंने वापस आके जो है ना बगी लेने का फैसला किया। आई गेस घर में था, मुझे उस टाइम नहीं पता था, अब तो मुझे पता कि वो आए, मुझे उस टाइम लग रहा था वो स्नैपर टावर में, देखो मैं देख भी उधर ही रहा था, लेकिन जब मुझे पता चला वो घर में, मैंने जंप की फ़ौरन से, मैं कवर में आया चेक की, यहाँ से पब्लिक हमें जोन में जाना है 7 मीटर, घर वाला बंदा जोन में है, तो चांसेस जो थे उसके ज़्यादा थे जीतने के। आप कह सकते हो कि 70% उसके थे या 80% उसके थे, और 20% चांसेस मेरे थे क्योंकि वो जोन में था, उसके बाद एक अच्छी पोजीशन थी। और यहाँ पे फिर मैंने नेड्स करना स्टार्ट कर दिए पब्लिक, क्योंकि नेड जो होता है वो आपकी गेम तब्दील कर देता। पहले नेड्स उसको डैमेज हुआ पब्लिक, वो घर के अंदर भागा। अब जब वो घर के अंदर भागा तो मैंने दूसरा नेड किया, फिर मैंने एक मॉली फेंक दी इस तरफ, और फिर मैंने एक मॉली फेंक दी गाड़ी की तरफ जहाँ वो बाहर भागेगा, तो नेड का वो डैमेज हुआ हुआ था, उसको मॉली लग जाती है पब्लिक, और ऐसे मुझे मिल जाता है विनर चिकन डिनर, मिल जा विनर चिकन डिनर, और ऐसे जो है ना हमें 8 किल का एक अच्छा चिकन डिनर मिलता है सोलो में, और हमारे और ज़्यादा अच्छे पॉइंट्स हो जाते हैं प्लस मेरी नॉलेज पब्लिक।
अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट गेम प्ले की तरफ। मैंने आपको कहा ना, देखो भाई कंटिन्यूसली 30 मिनट का वॉइस ओवर करना, वो भी इतनी ज़्यादा रैंक पुश करने के बाद, बहुत मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, करता हूँ तो अपने अपने लिए भी हूँ टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी कुछ अर्न करके अपना अपना एक कहते हैं ना कि अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकूँ। तो मैं भाई मेहनत कर रहा होता हूँ अपने लिए भी, लेकिन आप लोगों को इंटरटेन करना भी मेरा मकसद होता है, छुट्टी ना करूँ। देखो झूठ नहीं बोलता मैं, आप लोगों को साफ बताता हूँ कि मैं वाकई में लाइक डेफिनेटली अब आपको जो हो पैसे पैसे जो होते हैं वो इंसान की ज़रूरत होते हैं, लेकिन हलाल हराम की तमीज़ मेरे माँ बाप ने, मेरे उस्ताद ने, उस्तादा ने, मेरे कारी साहब जो जहाँ मैं पढ़ता था, उन्होंने जहाँ जिन उस्तानी के पास मैं सिपारा पढ़ाऊँ या कुरान पाक मैंने शुरू में पढ़ा था। वैसे तो मेरी अम्मी ने मुझे कुरान पाक पढ़ाया था, लेकिन शुरू में मैंने नौरानी कायदा जो था वो मैंने एक उस्तानी के पास पढ़ा था। जितने मेरे उस्ताद रहे हैं उन्होंने मुझे हमेशा यही सिखाया भाई, हलाल हराम की तमीज़ सिखाई, तो मुझे पता है कि क्या कमाई हलाल होती है क्या हराम होती है। तो मतलब पब्लिक आपका नॉलेज जो है ना, हलाल तरीके से मेहनत करके ही कमाता है, तो वो एक ज़रूरत भी होती है इंसान की। आपके आपको पता है पेरेंट्स जो हैं दिन रात मेहनत करते हैं, बहुत सी ऐसी फैमिलीज होती हैं जिनकी वालदा वालदा जो है वो घर पे मेहनत करती हैं और पैर वालिद जो हैं वो बाहर मेहनत कर रहे होते हैं फैमिली के लिए। तो मैं भी ऐसे ही यूट्यूब पर मेहनत करता हूँ अर्निंग्स के लिए टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि ये आपको मैं हमेशा बोलता हूँ मेरी जॉब है और ये चीज़ मैं आप लोगों से छुपाता नहीं हूँ। पब्लिक यहाँ पे दोबारा से हम लोग सिटी में आए थे, थोड़ा गेम प्ले की तरफ वापस आता हूँ, बात काफ़ी सीरियस होती जा रही थी। तो पब्लिक वहाँ पे हमने डुओ आया था, एक एक करके आपने देखा मैंने कैसे मारा। अब यहाँ पे जैसे हम लोग गुजर रहे होते हैं, पहले जॉर्ज पुल देखते हैं कोई नहीं होता, फिर मैं देखता हूँ गाइस सिटी में जो है ना एक यूएस खड़ी थी, तो मैं स्क्वाड जाकर रुक गया कि यहाँ पे थोड़ा सब्र करेंगे, जब ये सिटी वाले सिटी लूट के जा रहे होंगे तब हम इनको मारेंगे। क्योंकि अब मैं खेल रहा था अपने टीममेट के साथ, जारो के साथ, तो कॉन्फिडेंस लेवल था अंदर भाई, कॉन्फिडेंट था मैं थोड़ा सा कि हम फाइट लेंगे, किल्स उठाएंगे तो थोड़े अच्छे पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो इसलिए फाइट लेने के लिए मैं आ गया था स्क्वाड्स में कि सिटी वाले बंदों को मार के उनके किल्स उठाएंगे पब्लिक। अब हमें यहाँ पे रुक के ना ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा, जो बंदे थे वो हमें खुद स्पॉट कर लेते हैं और सामने वाले घरों पर आकर रुक जाते हैं मेरे नॉन की पब्लिक और फाइट लेने लगते हैं। अब यहाँ पर मैंने पता क्या स्कैम किया इनके साथ मैंने ना, हमने ना सिर्फ एक बंदे की पोजीशन रिवील की कि एक ही बंदा है, तो ये पहले पीक वगैरह देते रहे, मैंने पीक नहीं दी, मैं आराम से बैठा रहा, ज़्यादा फाइट लेता रहा, तो इनको लगा एक ही बंदा है, उन्होंने क्या किया गाड़ी उठाई और रश कर दिया, मतलब एंगल बनाने के लिए ना एक बंदा राइट से आ रहा था कि एक ही बंदा है चलो फाइट लेते हैं, उन्होंने ले लिया हल्के में। जो हमारी ट्रिक थी वो काम कर गई कि सिर्फ एक बंदे को दिखाना है कि हमारे पास सिर्फ एक ही बंदा स्क्वाड हाउस में, इन्होंने किया रश। और फिर मैंने भी अपना सरप्राइज़ दिया भाई कि हम एक नहीं दो बंदे, दोनों ने स्प्रे दिया बेचारे को, जब तक पता चला वापस भागने लगा, तो कैलाश भैया को हमने नॉक कर दिया और फिनिश करने के लिए एकदम इनको लो कर दिया। अब इनका एक ही बंदा बचा था पब्लिक, तो हमने यहाँ पे फैसला किया कि जैरो ही जाएगा अगर रश करने, 1v1 की फाइट लेगा, और अगर मेरे पास एंगल होता तो मैं उसको एनिमी को मारूंगा। तो यहाँ पे मैं स्प्रे देने लगा, जो हमारे जैरो भैया थे वो पैदल जा रहे थे, तो मैं एक तरीके से कवर भी दे रहा था। अब मेरा आगे जाना बनता नहीं पब्लिक, क्योंकि मेरा रैंक है उनका रैंक नहीं है, तो वो 1v1 फाइट ले सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि वो एक डर डर में नहीं खेल रहे। आप जब भी रैंक पुश करते हो आप एक डर के अंदर खेल रहे होते हो, माइनस का डर बहुत बड़ा डर होता है भाई ये। तो पब्लिक मैं यहाँ पे ट्राई कर रहा था कि अपना जो है ना, ये नेट परफेक्ट था, मैंने जरूर को कॉल किया लो रश कर दो, इतने में बॉट भैया आ गए, तो मुझे था कि वो बॉट का किलना चला ले, मैंने बॉट को नॉक किया, इतने देर में जोरक 1v1 फाइट लेके उसको मार देता है, और फिर मैंने अपने जो बॉट का किल है वो कन्फर्म किया। और ऐसे पब्लिक हमें इनकी लूट भी मिल जाती है और मुझे दो किल भी मिल जाते हैं यहाँ से, जो कि आपको पता होता है कि रैंक कुछ में एक एक किल जो होता है वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कितना ज़्यादा मायने रखते हैं आप लोग आपके लिए। तो मुझे भी यहाँ पे दो किल मिलते हैं तो मैं खुश हो जाता हूँ पब्लिक। फिर हम स्क्वाड्स में आते हैं और यहाँ पे ना रश करते हैं, ऊपर होते हैं बंदे, यहाँ मैं बहुत ज़्यादा कट कर रहा हूँ क्योंकि चार गेम प्लेज है ना वो 30, 60, 90, 120, मतलब 2 घंटे के गेम प्लेज में आपको कितने कम टाइम में दिखा रहा हूँ कट करके। तो पब्लिक ये बंदे ना ऊपर रुके होते हैं और ये नीचे रश नहीं कर रहे होते और हमारे पास नेड नहीं होते, और वो देखो कितना गंदा ऊपर कैंप किया हुआ था, तो हम ऊपर रश कर नहीं सकते थे ना वो नीचे रश कर रहे थे। बहुत देर तक सबर करते रहते हैं, सबर करते रहते हैं, और ऑल पे जो ना माइक भी होता है वो भी अरबी होते हैं और वो बोल रहे हैं वही डोंट रश यू रश, ऐसे बातें कर रहे होते हैं वो भी ऑल पे। देखो मेरा माइक भी ऑल पे था पर मैं बोल नहीं रहा था, ज़ारोक बोल रहा था, तो ये लोग रश नहीं कर रहे थे और ना इनको रैंक का भाई फिक्र भी नहीं था इतना। ये लोग बोल रहे थे भाई हम जोन में नहीं जाएंगे, ज़ारोक उनको बोल रहा था या रश करो या जोन में जाने दो, तो वो बोल रहे थे नो 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 जोन। तो भाई हमने फैसला किया कि भाई जोन में निकला जाए, फिर रिस्क लिया, नेट था नहीं कि एक नॉक करके रश करते, वो कैंप भी इतना गंदा कर रहे थे कि किसी एंगल से रश नहीं करने दे रहे थे। तो फिर पब्लिक हमने रश करने का प्लान कैंसिल किया और जोन में जाने का प्रेफर किया। यार तुम्हारी ऐसी की तैसी, चुप कर जाओ भाई, इंसान के बच्चे बन जाओ, तोतों के बच्चों, तुम्हारी ऐसी की तैसी पब्लिक। फिर हमने यहाँ पे रिस्क लिया कि भाई जोन में जाएंगे, और बहुत ही ज़्यादा बड़ा रिस्क था, जोन में मरने से अच्छा था कि आप एक रिस्क ले लो। जिगल करके लेफ्ट राइट करके भाई उन्होंने खूब गोलियां बरसाई, खूब गोलियां बरसाई,
मैं कह रहा हूँ पब्लिक जो है ना, दिल हमारा धक धक कर रहा था, जान निकली जा रही थी, लेकिन खैर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम उन कैंपरों से बच के वापस जोन में जाने में कामयाब हो जाते हैं। और हेल्थ काफ़ी कम हो गई थी, डर भी था कि सर्कल में जाएं तो ये ना भाई पहले से बंदे हो, तो हील वगैरह कर ली। फिर मैं काफ़ी एंड का सीन आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे पीछे आती गाड़ी, हम जोन के एच पे होते हैं और एक सोलो बंदा होता है पब्लिक, ये अब हम रश कर रहे थे, लेकिन देखो रश नहीं किया मैंने, रश करने से रोका। अब आप उसकी वजह मुझे बताओ, मैं भी आप लोग को बताओ। यार चुप कर जाओ, तुम्हारी ऐसी की तैसी, तोतों के बच्चों, इंसान के बच्चे नहीं बनेंगे ये भाई। अच्छा मुझे बड़ा मज़ा आता है इनको इंसान के बच्चे बन जाओ बोलने में। ये भाग रहा होता है, कान के नीचे लगाया, बकरा बनाया, लॉबी भगाया, मौत को नहीं छुआ वैसे, क्योंकि डैमेज वैमेज नहीं हुए हम। और ये मेरे तोते शुरू हो गए, अब ये चुप नहीं होंगे भाई, ये बड़े ढीठ हैं ये, इनको जब पता चलता है ना ये बड़े शरारती हैं, नॉटी बॉय हैं ये, नॉटी बॉय। तो मेरी नॉनिंग से अब यहाँ पर सर्कल हमारे पास चल जाता है। अच्छा उसका आंसर ये था कि हम सर्कल में थे तो उसको सर्कल में आना था, इसलिए देखो वो गाड़ी लेके भागा, डर गया था, कंफ्यूज हो गया था। फिर हमने गाड़ी उठाई पब्लिक, और मैं बिल्कुल आ जाता हूँ नीचे डिप, पहाड़ के यहाँ पे डिप होता है। ऊपर रश इसलिए नहीं किया, वहाँ पे एक डुओ था और मैं नहीं चाहता था कि मैं जाके फायर लूँ, क्योंकि सर्कल में आपको, अगर आप सर्कल में हो तो फ़ायदा नहीं है फायर लेने का। और यहाँ पे अगर आप मरते हो ना पब्लिक, तो मेरे जहाँ मेरा रैंक चल रहा है भाई 120 कॉन्करर, तो आपको प्लस नहीं मिलेंगे, उल्टा समटाइम आपके माइनस भी हो जाते हैं। गाड़ी गुजर की स्प्रे दिया, लेकिन भाई ये बंदा आने में यहाँ पे कामयाब हो जाता है, और इसको आना था सर्कल में, तो 5 सेकंड थे, ज़्यादा टाइम नहीं था। मैं इंतज़ार करने लग जाता हूँ उसका कि जैसे ही सर्कल में आएगा उसको मैं डाउन करूँगा। फ़ायदा नहीं था पब्लिक ऊपर वाली साइड देखने का, इसका एक किल उठाना बहुत इंपॉर्टेंट था, और ऐसे ही होता है जोन आने वाला होता है। तो ये बंदा जब पहले वहाँ पे पीक वीक लेता है, स्प्रे देता है मुझे, लेकिन जब जोन का डैमेज पड़ता है तो इसकी भी जान निकलती है, और ये बगी लेने के लिए मुझे लगता आएगा, और ये आता है यहाँ पर। मैंने भी इसको डैमेज दिया, लेकिन मतलब ओके सॉरी शायद नहीं दिया, और ज़ारो को उसको डीपी से डाउन कर देता है। अब पब्लिक 2v2v2 की फायर थी, और यहाँ बहुत ही इंटेंस और बहुत ही फनी और बहुत ही मज़े का सीन होता है, आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। सीन ये होता है कि 2v2v2 की फायर थी, दो बंदे हमारे रेड साइड पे ऊपर थे हिल पे, दो बंदे रोड के उस साइड थे शैक वाली साइड पे। यार प्लीज़ चुप कर जाओ, मेरी नॉलेज के पब्लिक फेरना, जो लेफ्ट वाले बंदे थे उनको सर्कल में आना था, हम यहाँ पे 1 मीटर जोन में थे, तो ज़ारो जोन में था, मुझे 1 मीटर जाना था, तो मैंने गाड़ी उठा के ना अपना राइट लेफ्ट से कवर बनाने का फैसला किया, क्योंकि ऊपर वाले बंदे जोन में वो रश नहीं करेंगे। तो यहाँ मैंने कुछ इस तरीके से गाड़ी लगाई और सर्कल में आके यहाँ पे मैं प्रोन हो जाता हूँ। अब सामने वालों को सर्कल में आना था पब्लिक, तो ऊपर वालों ने सामने वालों का एक बंदा नॉक एंड फिनिश कर दिया, तो सामने बचा एक बंदा, ऊपर बचे दो बंदे, 3 और 2 हम 5। तो वो स्मोक कर रहा था बेचारा, लेकिन ये उसको जोन में आने नहीं दे रहे थे। तो दूर वाले ने क्या किया, हील बैटल करने लग गया पब्लिक। वो बंदा कमाल, उसने हमारी इतनी हेल्प की, बहुत दूर था वो और बहुत ही कोई अच्छा खेल रहा था। मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा भाई उस अरबी बंदे को। पब्लिक जो राइट पे बंदे थे हमारा, जो मेन फाइट थी वो उनसे थी, क्योंकि ये वाला बंदा तो जोन के बाहर है, हील बैटल लगा कर रहा है, फर्स्ट एड लगा रहा है, ठीक है। तो अब ना उसका किल भी लेने के लिए मैं रेडी था, लेकिन उस बंदे ने पता किया कि गाइस जितने फर्स्ट एड लगे उसने लगाए, और फिर दूर से जोन के बाहर से स्प्रे देके ऊपर वाले बंदों में से एक को नॉक कर देगा पब्लिक वो। हाँ मैं, हम लोग खुद हैरान हो गए थे भाई, लेकिन किल फील्ड रीड करना आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अब देखो वेट कर रहे थे वो फर्स्ट एड लगाता रहा, लेकिन उसने ना ऊपर वाले बंदे को एक को डाउन किया। अभी इसलिए हमें पता है कि पहले ना ज़ारोग इनसे फाइट ले रहा था और इनका नाम हमें पता था। अब देखो वो ऊपर वाले बंदे को नॉक करके मर जाता है, और एक बंदा रहता तो हम दोनों एक पर रश करते हैं और ऐसे इसको मार देते हैं, ऐसे हमें मिलता है विनर विनर चिकन डिनर मेरी नॉलेज पब्लिक। हम लोग इतने खुश हो जाते हैं भाई कि क्या तो चिकन मिला। अगर वो बंदा मर जाता, 2v2 की फाइट होती तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता, क्योंकि राइट वाले बंदे पहाड़ के ऊपर थे, हाइट पे थे, वो हमें इजीली मार सकते थे मेरी नॉनिमस की पब्लिक। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनको डाउन किया और सक्सेसफुली सर्वाइव करके चिकन डिनर ले लिया। अब चलते हैं भाई रैंक पुश के इस सीज़न के लास्ट गेम प्ले की तरफ। मेरी नॉनिमस की पब्लिक डीपी वीपी मिलती है, और अब भाई ये मैं ना शायद, अब मैं पहले बता रहा हूँ वीडियो पूरी देख के शेयर वेयर कर लेना। मैं भाई एक दिन छुट्टी करूँगा, इसके बाद जो है ना नेक्स्ट डे, जब आप ये देख रहे हो नेक्स्ट डे वीडियो नहीं आएगी, मैं सबर करूँगा, छुट्टी करूँगा भाई, क्योंकि मैं बहुत थक चुका हूँ। एक दिन रेस्ट लूँगा, थोड़ा सबर करके थोड़ा सोऊँगा, नींद अच्छे से पूरी करूँगा, टेंशन फ्री होके थोड़ी गपशप लगाएंगे, फैमिली को टाइम देंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे। एक दिन की छुट्टी है भाई, मैं 30 मिनट का इसीलिए आप लोगों के लिए गेम प्ले अपलोड कर रहा हूँ पब्लिक। उसके बाद लूट वगैरह की, अब जोन था दोबारा से ब्रिज कैंप वाला, तो ब्रिज से नहीं गुजरे हम, आखिरी गेम प्ले था ये, क्योंकि इसके बाद मैं आ गया था टॉप 100 में। अब यहाँ पे जोन में जा रहे थे तो एक बाइक आ रही थी, तो एक को वहाँ पे ज़ारोग ने डाउन किया, दूसरे को मैंने डाउन किया, एक एक किल हम दोनों को मिलता है। ये शायद जोन के बाहर से लिपोफका को प्रीमॉक्स को लूट के आ रहे थे, प्रीमॉक्स जिसका नाम हमने रखा हुआ है बिहाड़ी। तो फिर हमने यहाँ पे लूट वगैरह की,
और मेरी नॉलेज के पब्लिक दूसरी क्रेड भी लूटनी थी। अब मैं आपको लूट खुद दिखा रहा हूँ ताकि आप भी देखो लूट। मेन मकसद यही होता है कि आप देखो और आपके मुंह में पानी आए कि अनोनिमस भैया अकेले अकेले क्रेड लूट रहे हो। अच्छा पब्लिक एक बार पता है, एक अनोनिमस की पब्लिक मेरा भाई मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करके ना एक वीडियो की क्लिप लगा के बोल रहा था, अनोनिमस भाई अनोनिमस भैया आप हमें दिखाते हो लूट, हम आपको दिखाएंगे लूट। तो वो लूट रहे थे, अच्छी लूट थी, ऑम वगैरह थी, तो उन्होंने इंस्टाग्राम पे टैग किया हुआ था। तो मेरी अनोनिमस पब्लिक, उसके बाद मैं आ जाता हूँ एकदम हाइट पे नोवो के जो पहाड़ होता है हिल होती है उसके ऊपर। और यहाँ पे ना एक बंदा ना टावर बैठा था इस पर और मुझे उसने मारा था, तो मैं आके ना पहले टावर चेक करने लग जाता हूँ। 3 किल अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हो चुके थे पब्लिक। यहाँ पे बड़ा ही इंटेंस, बड़े मज़े का गेम प्ले होने वाला होता है और होगा भी, आपको बड़ा मज़ा आएगा ये गेम प्ले देखने में। सारे बड़े इंटरेस्टिंग थे, बड़े इंटेंस थे, आपको मज़ा आया होगा। यहाँ पे नीचे बंदे थे तो इन्होंने ना पब्लिक हमें स्पॉट कर लिया था और हमने भी इनको स्पॉट कर लिया था, नज़र आ रहे थे। अब जो नीचे होता है ना वो हमेशा ऊपर वाली साइड पर नज़र रखता है, और जो हम ऊपर होते हैं या एनिमी ऊपर होती है तो वो भी नीचे वाली साइड पर नज़र रखती है। ये लोग भागने लगे तो मैंने इनको मारना स्टार्ट कर दिया। काफ़ी दूर है तो बुलेट्स को वहाँ पे जाने में टाइम लगता है, लो किया, बहुत लो किया, लेकिन बुलेट्स को जाने में टाइम लग रहा था तो इतना अच्छे से मैं नहीं मार पाया। वो बंदे रुक जाते हैं पब्लिक, और उसके बाद ना भाई इनसे हमारी लॉन्ग रेंज फाइट स्टार्ट हो जाती है। बहुत मज़ा आया इनसे लॉन्ग रेंज फाइट लेने में। क्या तो मैंने इनको मज़े मज़े के ब्रेस्ट मारे, क्योंकि जब अनोनिमस चलाता है डीपी तो हाई होता है एनिमीज़ का बीपी, और इनका वीपी भी मैंने हाई कर दिया था पब्लिक। देखना आप कैसे ब्रेस्ट मार मार के ना, मैंने इनके पहले हेलमेट वैसे डैमेज किए थे और फिर ब्रेस्ट मार मार के हेड लगा सलीम भैया को मैंने डाउन किया। बड़ा मज़ा आता है इनसे फाइट लेने में। टैप टैप देखे ना, पहले मैंने इनके हेलमेट वैसे ख़राब किए हुए थे और फिर तो इनको जो ब्रेस्ट मार के ऐसे डाउन करने में मज़ा आ रहा था। इसको देखना पब्लिक, इसके पास स्नाइपर है, ठीक है, इसके पास कार 98 है। इन्होंने हमें एक बार भी डाउन नहीं किया और मैंने इनको 2 बार नॉक किया था आई गेस। ये देखो L774 भैया मज़ा आया, आपको हमने बकरा बनाया। सर्कल में दे पब्लिक, हम इनको जोन में आना था तो हमने इंतज़ार किया। उसके बाद ना हमने इनकी बाइक ख़राब की थी, लेकिन इन्होंने भाई धुएं वाली बाइक लेके अगला टायर जो है उड़ा हुआ है, फिर भी उसको लेके हमारे पे रश कर रहे हैं। भाई मुझे समझ नहीं आ रहा जोन के बाहर क्यों आ रहे हो आप लोग, अब हमारे लेफ्ट से इजीली जोन में जा सकते हो, तो ये देखो गाइस जोन के बाहर आ रहे हैं भाई। पता नहीं इनको हमने दो बार नॉक किया कर दिया, इनको शायद गुस्सा आया होगा, गालियाँ वालियाँ दे रहे होंगे, गुस्सा कर रहे होंगे, सीधा हम पे रश कर दिया भाई। यहाँ आना इनका बनता ही नहीं था जोन के बाहर, तो मैंने इन पर स्प्रे किया पब्लिक। अब मेरे पास M4 नहीं थी तो यहाँ पे एक हेडशॉट लगा AKM का, बाकी में स्विंग। अब मैंने DP निकाली और एक को डाउन कर दिया। दूसरा बंदा जोन में जाने में कामयाब हो जाता है, इतना मारा फिर भी बंदा नहीं वो कैसे जोन में पहुँच जाता है, तो मैंने अपना एक किल कन्फर्म किया। सलीम भैया जिंदा थे, और पब्लिक में ऐसे नीचे जाना नहीं चाहता था क्योंकि वहाँ से मैं जोन में नहीं जा पाऊँगा, फिर ऊपर वापस आ नहीं पाऊँगा, तो मैंने नीचे जंप नहीं किया। और सलीम भैया स्पॉट नहीं हो रहे थे तो मैंने कहा चलो जाने दो, क्या करना, कब तक बचेंगे, कब तक सलीम भैया खैर मनाएंगे, कभी तो अनोनिमस के DP के आगे आएंगे। तो 6 बंदे लाइफ थे, 5 किल अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हो चुके थे, और हम पहुंच चुके हैं भाई फाइनली एंडिंग की तरफ। और अभी जो है ना हमें अपना ड्राइंग पुश का अलविदा कहना होगा। मेरी अनोनिमस वाली थक गया वॉइस ओवर कर करके, अभी 30 मिनट का वॉइस ओवर कर रहा हूँ इतना लंबा गेम प्ले करने के बाद। फिर हमने यहाँ पे मैरान गड्डी उठाई, पब्लिक जोन गया था तो हमने जंप करा दी कि देख ही जाएगी जो होगा अच्छे के लिए होगा, नाड़क अच्छे के लिए होगा। और भाई जो हुआ वो बिल्कुल अच्छे के लिए नहीं हुआ, नाड़ा बिल्कुल अच्छे के लिए नहीं हुआ, जंप तो हमने कर दिया लेकिन आगे की तरफ ना पब्लिक हाइट पे जाने के चक्कर में ना यहाँ पे हम मरते मरते बचे। आप कहते हो ना मौत को छू के टक से वापस आ गई, ये वाकई में लास्ट गेम प्ले था। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि हम टॉप 100 में आ गए थे। तो भाई यहाँ पे मैं जैसे ऊपर आता हूँ कैंप कर रहा था बंदा, इसको मैंने फॉरेस्ट डाउन किया। ये ज़ारुक को मार रहा था, ज़ारुक को ये लोग नॉक कर देते हैं दोनों टीममेट्स। मैंने एक को नॉक फिनिश किया, ज़ारुक नॉक किया, इसने मुझे मार्क देकर बताया कि बंदा वहाँ पर है, तो मैंने पहले इसको रिवाइव देने का फैसला किया। दूर से जो है ना पब्लिक कोई सलीम को मार देता है, वो देखो उसका नाम देखो DALAL, अब नाम ही ऐसा कि मैं बोलना नहीं चाहता। उसने सलीम को वहाँ पे मारा और एक बंदे को मैंने फिनिश कर दिया। 1v1v2 की फाइट थी, ये बंदा रश करता है, इसने फिर से ज़ारुक को मारा, मैंने फिर से किसके टीममेट को मार दिया, डाउन कर दिया। 2 किल और मुझे मिल गए, 7 किल अल्हम्दुलिल्लाह हो गए थे। फिर से मैंने ज़ारुक को रिवाइव दिया। अब वही DALAL बंदा जो था वो ज़िंदा था और वो नीचे वाली साइड पर था, तो मेरी नॉलेज के लिए हम ना उन पे रश करने के लिए जा रहे थे। पहले हमें हील वगैरह करनी थी तो अब हमें उन पे रश करना था। अब जैसे मैं आगे उस बंदे को स्पॉट करने के लिए जाता हूँ कि देखते हैं कहाँ है वो, अल्लाह जाने नेड कर रहा था हमें और वो फट जाता है खुद ठा करके, और ऐसे में मिलता है विनर विनर चिकन डिनर। और अनोनिमस की थक गया बोल बोल के भी, अनोनिमस की पब्लिक इस गेम प्ले के बाद हमें मिल जाता है भाई टॉप 100 का जो है वो अचीवमेंट जो हमें चाहिए थी, हमें आना था। और मैं फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में आ गया टॉप 100 में आया हूँ, या कभी आया था तो मैं नोट नहीं किया या रिकॉर्ड नहीं किया या कंटेंट नहीं बनाया, आई डोंट नो। लेकिन यहाँ पे मेरी नॉलेज के पब्लिक हम लोग कामयाब हो जाते हैं टॉप 100 में आने में। तो मेरी नॉलेज के पब्लिक जितना भी आप लोगों ने सपोर्ट किया मुझे, जितना भी आप लोगों ने
मेरी वीडियोस को लाइक किया, रैंक पुश की, तो उसके लिए बहुत शुक्रिया। बहुत मज़े की जर्नी रही भाई हमारी कॉन्करर की, होप्स आपको भी पसंद आई होगी। तो गाइज़ बाकी ऐसे ही नेक्स्ट सीजन में हम लोग रैंक पुश करेंगे, लेकिन आइंदा जब हमारे सोलो स्क्वाड एग्जाम शुरू हो जाएंगे और एक दिन की छुट्टी भी होगी जैसे कि मैंने आपको बोला। खैर मेरी उसको लिए वीडियो को ऐसी लगी लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करके कमेंट से जरूर उतारना। कोई बात भी लगती है तो माफ़ कर देना, अच्छी लगती है तो ऐसे ही प्यार करते रहना और सपोर्ट करते रहना। और प्लीज़ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कल। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना, दिल से लव यू मेरी अनाउंस के लिए आप सबको, गिली चमी बहुत ज़्यादा प्यार, अल्लाह हाफिज़।